Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान संख्या ग्यारह में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स की जिनको हम बोलते हैं मुआवजा और प्रोत्साहन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के व्याख्यान में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे शुरुआत करेंगे हम परिचय से फिर हम बात करेंगे मुआवजा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है मुआवजा योजना के उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें कि हम संगठन के लिए क्या उद्देश्य रहते हैं कर्मचारियों के लिए और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे मुआवजा योजना के प्रभावित करने वाले कारक ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनसेशन जो प्लानिंग होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है मुआवजा के विभिन्न तरीके किस प्रकार से हम मुआवजा व्यतीत करते हैं अपने कर्मचारियों में इसके बाद हम बात करेंगे प्रोत्साहन राशि की जिसको हम इंसेंटिव बोलते हैं प्रोत्साहन के प्रकार क्या हैं किस प्रकार से हम प्रोत्साहन के देते हैं अपने कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं अनुषंगी लाभ और अनुषंगी लाभ के प्रकार क्या हैं इन सारे विषयों पर हम आज के व्याख्यान में चर्चा करेंगे और आज के व्याख्यान को पढ़ने के बाद आपके क्या उद्देश्य पूरे होंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन कर पाएंगे उनके बारे में जान लेते हैं मुआवजा योजना का उद्देश्य क्या है किस कारणवश हम इसको बनाते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं मुआवजा योजना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएंगे इसके साथ ही आप जान पाएंगे मुआवजा के विभिन्न तरीके किस प्रकार से हम मुआवजा जो है अपने कर्मचारियों को देते हैं उसके तरीके आप जान पाएंगे प्रोत्साहन की अवधारणाएँ क्या हैं और साथ ही आपको अनुषंगी लाभ क्या है और उसके प्रकार क्या हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो शुरुआत करते हैं परिचय से परिचय आपको जानकारी देगा कि मुआवजा क्या है मुआवजा कंपनी के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है यह एक परिश्रमिक है जो एक कर्मचारी को संगठन में उसके योगदान के बदलाव बदले मिलता है बेसिकली हम कंपनसेशन की जब बात करते हैं कंपनसेशन और वेजेस सैलरीज की हम बात करते हैं ये वो है जो कर्मचारियों को अपने कार्य करने के लिए मिलता है जिस कार्य के लिए वो संगठन में लाए गए हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो उनको रिटर्न में दिया जाता है उसको हम मुआवजा कहते हैं ये रेमुनरेशन है एम्प्लॉई का फॉर हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई कंपनसेशन जो है वो अट्रैक्ट करता है केपेबल एम्प्लॉयज़ को अगर आपके संगठन में अच्छा मुआवजा दिया जाता है आपके कर्मचारियों को जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप अच्छे से सैलरीज या वेजेस पे करते हैं तो ये बहुत हद तक आपको मदद करता है कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ हैं उनको आप अपने संगठन के प्रति आकर्षित करें क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा कंपनसेशन पैकेज मिले ये उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करें अपनी क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकें ताकि उनको ज़्यादा मुआवजा मिल सके और इसके साथ ही ये मदद करता है आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपके संगठन में बनाए रखने में रिटेंशन करने में भी मदद करता है तो मुआवजा क्या हुआ मुआवजा वो वेतन हुआ आपके कर्मचारियों के लिए जिसके लिए वो कर्मचारी आपके संगठन में कार्य कर रहे हैं वॉट एवर दी वर्क दे आर परफॉर्मिंग उसके रिवॉर्ड में उसके रिटर्न में जो न दिया जाता है उसको हम कंपनसेशन कहते हैं और ये देने से आप अच्छा वेतन देने से अच्छा मुआवजा देने से आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के तो वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने में आपको ये मदद करता है और साथ ही साथ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये मोटिवेट करता है कि वो अपने कार्य को और बेहतर तरह से प्रदर्शन करें मीनिंग ऑफ कंपनसेशन क्या है मुआवजा का अर्थ क्या है कम्पनसेशन में बी डिफाइंड एज मनी रिसिव्ड इन दी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क जो पैसा आपको दिया जाता है मॉनिटरी टर्म्स में जो आपको पेमेंट किया जाता है उसके साथ ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और सर्विसेज जो दी जाती हैं उसको मिला के हम कम्पनसेशन कहते हैं आपके जो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल या मॉनिट्री और नॉन मॉनिट्री टर्म्स में जो आपको रिटर्न दिया जाता है उसको हम कम्पनसेशन कहते हैं इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इट इज़ पेड इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस वेतन के तौर पे दिया जाता है ये स्पेशल अलाउंसेज दी जाती हैं लोगों को एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिए जाते हैं नॉन वेनिटरी नॉन मोनिट्री बेनिफिट्स भी बहुत सारे आप संगठन में इम्प्लॉज़ को देते हैं जैसे कि उनको पेड हॉलीडे पैसे जिनको की छुट्टियाँ दी जाती हैं वैकेशन दी जाती हैं और उसका उसको पैसे भी दिया जाता है इंश्योरेंस दिया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैटरनिटी लीव्स दी जाती है महिलाओं को फ्री ट्रैवल फैसिलिटी वो बाहर घूमने जा सकते हैं बिना अपने खर्चे किए कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बियर करती है और उनको ओल्ड एज बेनिफिट जिसको कि हम रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं तो ये सारे जो चीज़ें उनको दी जा रही हैं बेनिफिट्स और सर्विसेज दी जाती हैं अलोंग विद दी मॉनिटरी इनकम उस सबको हम कंपनसेशन के फॉर्म में जानते हैं आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की कंपनसेशन की डेफिनेशन क्या है इसमें वेंडेल फ्रेंच ने अपनी शब्दों में कहा है कि मुआवजा एक व्यापक शब्द है जिसमें मजदूरी वेतन और अन्य सभी भत्ते और लाभ शामिल है कंपनसेशन एक ऐसा पैकेज है जिसमें आप कर्मचारी को दिए गए जितने भी लाभ हैं चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो उन सब को मिला के हम एक कंपनसेशन पैकेज बोलते हैं तो जितनी भी उनको चीज़ें दी जा रही हैं जो सर्विसेज उनको दी जा रही हैं जो पेमेंट्स उनको किए जा रहे हैं उन सब को मिला के हम यहाँ पर मुआवजा कहेंगे इसके साथ ही हम बात करते हैं क्या अंतर होता है वेतन में जैसे मजदूरी कुशल में और वेतन में क्या अंतर होता है वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है जनरली हम इसको एक साथ ही यूज़ करते हैं सिनोनिम्स की तरह बात करते हैं लेकिन दोनों में अंतर हैं जो वेजेस हैं वो जनरली दी जाती हैं स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटिव वर्कफोर्स को तो अर्ध कुशल ऑपरेटिव कुशल, कार्यबल के लिए भुगतान किए जाने वाले परिश्रम को हम वेतन कहते हैं मजदूरी कुशल कहते हैं और जो हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं सुपरवाइजर होते हैं ऑफिसर स्टाफ्स होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हम जो वेतन देते हैं उसको हम सैलरी कहते हैं जिसको पेमेंट किया जाता है उसको सैलरी कहा जाता है वेतन जो होता है वो जनरली डेली बेसिस पे दिया जाता है वेजेस जो आपकी पेड होती वेयर एज सैलरीज जो आपकी दी जाती हैं वो ज्यादातर आपको मंथली बेसिस पे पे की जाती है इसके बाद हम बात करते हैं मुआवजा योजना के उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुआवजा योजना के जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम तीन स्तर पे जानने की कोशिश करेंगे संगठन के क्या उद्देश्य हैं या संगठन के लिए इसके क्या उद्देश्य होते हैं एक कर्मचारी के लिए इसके क्या उद्देश्य हैं और इन नियोक्ताओं के लिए इसके क्या उद्देश्य हैं उनको हम यहाँ पर जानकारी करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठनों के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन पैकेज को डिफाइन किया जाता है या बनाया जाता है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले इसको अट्रैक्ट करने में जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ हैं मैन पावर है जो आप चाहते हैं कि आपके संगठन में आए अच्छे लोग एक बढ़िया टैलेंट को आप अट्रैक्ट कर सकें उसके लिए आप अच्छा एक कंपनसेशन पैकेज तैयार करते हैं इसके साथ ही आप वेजेस एंड सैलरीज एंड लेबर कॉस्ट बाय डिटरमाइनिंग दी रेट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीमेंट दर परिवर्तन और वेतन वृद्धि की आवृत्ति निर्धारित वेतन और वेतन के श्रम लागत को नियंत्रित करने के लिए आप कंपनसेशन पैकेज को तैयार करते हैं यह प्रदर्शित करके कर्मचारियों को संतुष्टि बनाए रखना की परिश्रमिक उचित और न्याय संगत है इसलिए कि ताकि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें और उनके बीच में कहीं कोई भेदभाव नहीं आए वो अपना फेयर और एडिक्वेट uh, और इक्विटेबल अंडरस्टैंडिंग uh, के साथ इसको कर सकें इसके साथ ही टू इंड्यूस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस मनी इज़ एन इफेक्टिव मोटिवेटर आप किसी कर्मचारी से कार्य कराना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक अच्छा कॉम्पेसेशन पैकेज दें क्योंकि जो मनी है वो एक बहुत इफेक्टिव मोटिवेटर होता है जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करता है तो किसी भी संगठन में जब हम वेतन का कंपनसेशन पैकेज को डिफाइन करते हैं तो यही हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यही हमारे उद्देश्य होते हैं जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको हम अपने संगठन में लंबे समय तक बनाए रखें उनके मन में एक सेटिसफेक्शन रहे उनको मोटिवेशन मिले और साथ ही उनके मन में कहीं भी अनफेयरनेस ना हो इक्वालिटी वो महसूस करें ताकि उनको मालूम है कि किस कार्य के लिए प्रकार से वेतन दिया जाता है उसमें उनके मन में कोई भी ग्रीवियांज ना हो उनके मन में कहीं भी कोई डिफ्रेंसेज नहीं आए इस उद्देश्य के साथ कंपनसेशन पैकेज को तैयार किया जाता है अब बात करते हैं इम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कर्मचारी के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो कंपनसेशन पैकेज को जब हम तैयार करते हैं उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं सबसे पहले एम्प्लॉज़ आर पेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दी जॉब जो कर्मचारी हैं उन्हें जो पैसा दिया जाता है वो नौकरी के हिसाब से दिया जाता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है दैट इज़ हाईली स्किल्ड जॉब्स आर पेड मोर कंपनसेशन देन दी लोअर स्किल्ड सीधा सा अंतर है इसमें जिन जॉब्स पे ज़्यादा स्किल्स की ज़्यादा अपने पोटेंशियल की ज़रूरत होती है उन जॉब्स पे वेतन ज़्यादा दिया जाता है और जिन कार्य में कार्य करने के लिए हमें अनस्किल्ड या थोड़े कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उन जॉब्स पे थोड़ा कम वेतन दिया जाता है तो इससे क्या होता है इनक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं लोगों के मन में इस तरीके का कोई सवाल नहीं आता कि मुझे कम क्यों दिया जा रहा है दूसरे को ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है तो जिस जॉब की जैसी रिक्वायरमेंट है जिस तरीके के स्किल्स नॉलेज और एजुकेशन uh, की ज़रूरत है उसी के हिसाब से उनका कंपनसेशन पैकेज डिफाइन किया जाता है दूसरा इसमें चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म को आप कम कर लेते हैं पक्षपात की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि आपके कार्य के हिसाब से आपको पेमेंट किया जा रहा है किसी के कहने पर नहीं किसी के बताने पर नहीं आपको पेमेंट किया जा रहा है जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं जितनी क्षमताओं की आप की जरूरत है कार्यालय में या संगठन में उसी के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा जॉब सीक्वेंस एंड लाइन्स ऑफ प्रमोशन आर स्टैब्लिश वेन एवर दे आर एप्लीकेबल वेतन को आप इस भी तरीके से जब डिफाइन करते हैं तो उसके पीछे ये भी उद्देश्य है कि आप ये डिफाइन कर सके कि नौकरियों का क्रम और उसकी पदोदिति की रेखाएं जहाँ कहीं भी लागू हो वहाँ आप उसको बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं और इसके साथ ही इम्प्लाइज के मॉरल और मोटिवेशन को इंक्रीज uh, करने के लिए भी आप एक साउंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इस तरीके से आप कंपनसेशन पैकेज को डिफाइन करते हैं या डिटमाइन करते हैं आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहे उनका मोरियल जो है वो हाई रहे, रहे अब बात करेंगे एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि, कि किस प्रकार जो आपकी वेतन uh, का जो आप प्लानिंग करते हैं वो एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उद्देश्य आप पूरे करना चाहते हैं दे कैन सिस्टमैटिक प्लान फॉर कंट्रोल एंड दर्न ओवर इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयर को मालूम है कि किस जॉब में किस तरीके का वेतन दिया जाता है किस कार्य पे किस प्रकार से जो संगठन है वो पेमेंट कर रही है तो वो उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे कि जो एम्प्लॉ टर्न ओवर रेट है उसको हम कैसे रोक पाएँ इसके साथ ही असाउंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर रिड्यूस दाइवलीहुड ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रीवियांज ओवर रेम्यूनोरेशन उसको इस बात के लिए भी निश्चिंता रहती है कि यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में इस बात पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कि किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों दिया जा रहा है उनको मालूम है उनको जस्टिफाई किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से कि आपका कार्य किस प्रकार का है और किस प्रकार से आपको वेतन वृद्धि की जाएगी इट एनहैंस एन एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन बिकॉज एडिक्वेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव आर बेस्ड टू हिज और हर नीड्स एंड एज वेल एज वॉन्ट्स तो वेतन की जो वृद्धि की जा रही है उसमें का इंप्लॉय और नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, से उनको पे किया जा रहा है इसी में आगे इट अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड इंप्लॉयज बाय इंश्योरिंग एंड एडुकेट पेमेंट फॉर ऑल दी जॉब्स इसके साथ ही इंप्लॉयर्स को यह भी बेनिफिट है कि उनको कार्य कराने के लिए अच्छे कर्मचारी संगठन में आप आ, आप ला सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब आप अच्छे से एक पेमेंट करते हैं अपने कार्यालय में अपने संगठन में सभी इम्प्लॉइज को एक पेमेंट अच्छा मिल रहा है तो उसके लिए आप बढ़िया कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं साथ ही इन डीलिंग विद द ट्रेड यूनियन दे कैन एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ देयर वेज प्रोग्राम बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ जॉब एंड वेजेस फैक्ट आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं यूनियंस को ट्रेड यूनियंस क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि आप किस प्रकार से इसका वेजेस का पेमेंट करेंगे तो आप उनको जस्टिफाई कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बेसिस हैं कि आप किस जॉब के लिए किस कार्य के लिए किस प्रकार से वेतन दे रहे हैं तो ये कुछ उद्देश्य थे जब भी हम वेजेस और इंसेंटिवस का डिटर्मिनेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं या किन चीज़ों को किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए आगे, आगे बात करते हैं मुआवजा योजना को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जब हम वेजेस का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उनको इफ़ेक्ट डालते हैं सबसे पहले इसमें है डिमांड एंड सप्लाई हम बहुत हद तक जानते हैं कि मार्केट में जो लेबर फोर्स है उसकी डिमांड एंड सप्लाई कैसी है अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम है तो आमूम तौर पे उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है इसी प्रकार से जब हम वेतन के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर कैसा है मार्केट में और डिमांड ऑफ लेबर क्या है अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमें उनको ज़्यादा वेजेस या सैलरीज पे करने होते हैं और अगर उनकी सप्लाई ज़्यादा है तो वो कम पर भी तैयार हो जाते हैं कार्य करने में इसमें दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कैसी है उसकी क्षमता कैसी है वेतन देने में तीसरा इसमें प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड गोइंग वेज रेट आता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस समय उसके हिसाब से जो और कॉम्पिटिटर्स हैं या इस पर्टिकुलर पोजिशन में मार्केट में लोग किस प्रकार से इसके वेतन को दे रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि आप कितने का किस कार्य के लिए कितना प्रोडक्टिव आपका एम्प्लॉई है उसके हिसाब से आप उसको वेतन वृत्ति करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है ट्रेड यूनियंस बार्गेनिंग पावर कैसी है जॉब रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स क्या हैं इसके साथ ही हम लेजिस्लेटिव कंसिड्रेशन के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से जैसा मैंने कहा मांग और आपूर्ति आपकी जो लेबर मार्केट है उसमें मांग कैसी है या आपूर्ति कैसी है श्रम की मांग और आपूर्ति तथा उसके उपलब्धा की मजदूरी दरों के निर्धारण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो मार्केट है आपको किस तरीके के रिक्वायरमेंट टैलेंट की ज़रूरत है आपके स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग तरह के कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है अगर वो अगर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उनकी अगर उनकी सप्लाई अच्छी है तो आमून सी बात है कि वो कम वेतन पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन जो हाईली स्किल्ड और स्किल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की डेफ़िनेटली उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और उनकी सप्लाई मार्केट में कम होती है इसीलिए जो हायर पोजीशंस हैं उनके लिए जो वेतन दिया जाता है जो सैलरीज पे की जाती हैं वो कम्पेरेटिवली ज़्यादा रखी जाती हैं इसके बाद जो दूसरा आपका फैक्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे संगठन के भुगतान करने की क्षमता कैसी है अगर आपकी संगठन में इकोनॉमिकली आप साउंड हैं फाइनेंशियली आप साउंड हैं और आप अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन दे सकते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने कर्मचारियों को अपने कैंडिडेट्स को इम्प्लाइज को एक अच्छी सैलरी पैकेज प्रोवाइड करें क्योंकि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है आपके कर्मचारी जो आपके संगठन में कार्य कर रहे हैं वो आपसे लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और इसके साथ ही आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आप बेहतर तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए आ, कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी अगर संगठन में अच्छा पेमेंट हो रहा है और आप अच्छे से लोगों को पे कर रहे हैं आपकी कैपेसिटी अच्छी है आपकी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है आपका आपका जो संगठन है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है तो आप अच्छा पेमेंट कर कर अपने टैलेंट को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो साउंड होनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी एबिलिटी कैसी है पे करने में इसके अलावा जैसे हमने कहा प्रिवेलिंग मार्केट रेट और गोइंग वेज रेट क्या है अमूमन तौर पर जो मार्केट है उसमें उसका क्या प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए किस तरीके से और लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं वो भी हमें बहुत हद तक ध्यान में रखना पड़ता है तो प्रचालित बाज़ार दर और मजदूरी की सबसे तुलनीय दर के रूप में भी जाना जाता है और मज़दूरी दर निर्धारण के लिए यह सबसे लोकप्रिय तरीका है ख़ासकर निचले कैदर पदों के लिए जो लोअर लेवल जॉब्स होती हैं उसमें ज़्यादातर हम इस पर्टिकुलर फैक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसमें इसको ध्यान में रखते ही उनके जो वेजेस हैं उनके बारे में तय किया जाता है किसी संगठन के लिए बाज़ार दर पर वेतन का भुगतान करने की कई कारण हैं जैसे प्रतिस्पर्धा और बाजार में ब्रेन ड्रेन की प्रथा प्रचलित है इसको इसलिए भी ध्यान में दिया जाता है क्योंकि आप मार्केट में अगर उस तरीके से उनको प्राइस नहीं पे करेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो बहुत हद तक चांसेस होंगे कि आप अच्छे टैलेंट को अच्छे एम्प्लाईज़ को अपने संगठन में कार्य करने के लिए आकर्षित ना कर पाएँ फर्दर मोर सर्टेन लॉज फ्रेड फ्रेम ले प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम वेजेस दैट इज इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क और बहुत सारे लॉज भी हैं जिसके जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है मिनिमम वेजेस एक्ट है जो आपको एज अ बेस रखना ही पड़ता है अपने कर्मचारियों को वेतन रतित करने के लिए जैसे कि हम कहते हैं इक्वल पे इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क जो समान तरीके के कार्य हैं उसमें एक तरीके का ही वेतन दिया जाना चाहिए इसके अलावा उत्पादकता क्या कहता है उत्पादकता जैसे इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं प्रोडक्टिविटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर मैन आर इट इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी लेबर एफर्ट्स मैथड ऑफ डूइंग वर्क मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सपोर्ट एंड सो ऑन आपके जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी इन्हांस uh, कर रहे हैं अपने संगठन में क्योंकि कार्य कराने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि तकनीकी जो प्रयास हैं वो आप अलग अलग तरीके से अपने संगठन में कर सकते हैं आपके लेबर्स के एफर्ट्स कितने हैं किस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं मैनेजमेंट का सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन कितना है उनको कार्य कराने में तो उसके लिए भी आपको बहुत हद तक ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आप उनका वेतन देंगे प्रोडक्टिविटी हैज़ ऑलवेज रिमेंड अ बेस फॉर वेज डिफरेंस सिंस इट इज़ द बेस व्हिच इज एपरेंटली जस्टिफाइएबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन किस कार्य के लिए आप कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जाते हैं किस प्रकार से आप कार्य कराना चाहते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये जस्टिफाइएबल भी है और बहुत सारे संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा जीवन यापन की यापन की लागत क्या है जैसा कि हम जानते हैं आज के दौर पर महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ रही है तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए ही वेतन की डिटर्मिनेशन uh, करना पड़ता है सैलरीज और वेजेस का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है क्योंकि अगर आप उनको उतना पेमेंट नहीं करेंगे जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ़ लिविंग है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपना जीवन व्यापन करना तो जीवन व्यापन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आप हमेशा ध्यान में रखते हैं प्रिवेलिंग कॉस्ट ऑफ़ लिविंग को हमेशा ध्यान में रखा जाता है जब भी हम वेजेस का और सैलरी का डिटर्मिनेशन करते हैं ट्रेड यूनियंस आल्सो कंसीडर दिस एज अ बेस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑन दी वेज इश्यूज जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं वो भी इस पॉइंट को बहुत हद तक ध्यान में रखते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को हम किस प्रकार से रख रहे हैं जीवन व्यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए इसके बाद ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर कैसी है उनकी सौदेबाजी की शक्ति कैसी है ट्रेड यूनियन एक ऐसी संगठन है जिसको आप कह सकते हैं जब लेबर्स मिल के अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं जब वो अपना एक एक, एक सशक्तिकरण बना लेते हैं और एकता में ही शक्ति होती है जैसा हम जानते हैं उसमें बेसिकली क्या है कि एक पावर आ जाती है कि वो अपनी बात को मैनेजमेंट को कितने प्रभावी तरीके से रख सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन की पोजीशन कैसी है उस संगठन में अगर वो स्ट्रांग पोजिशन में है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट से वो अपने Uh, हिसाब से कार्य करा सकते हैं अपने हिसाब से वेतन को मांग कर सकते हैं लेकिन अगर ट्रेड यूनियन की पोजीशन कमज़ोर है और मैनेजमेंट की पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करती है और वो तय करते हैं कि एम्प्लॉज़ को किस तरीके से सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है काम की जरूरत आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट कैसी है देखिए हर प्रकार के कार्य होते हैं संगठन में हर कार्य का अलग एक उद्देश्य है और हर कार्य पे अलग तरीके से स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है सो डिपेंडिंग अपॉन दी जॉब रिक्वायरमेंट और इसी के लिए हम जॉब की एनालिसिस करते हैं कार्य का विश्लेषण करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी किस तरीके के स्किल्स की टैलेंट की क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से ही आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप वेज और सैलरी का डिटर्मिनेशन करते हैं आप हर 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 कार्य के लिए एक जैसा वेतन नहीं कर सकते क्योंकि हर कार्य अपने आप में दूसरे से अलग है जो सेम टाइप ऑफ जॉब्स हैं डेफिनेटली उसमें आपको सेम सॉर्ट ऑफ सैलरी पे करना चाहिए लेकिन जब कार्य में अंतर आता है उनकी पोजीशन में अंतर आता है उनकी वर्किंग uh, स्टाइल्स में अंतर आता है तो उसके हिसाब से आपको वेजेस और सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है और इसके बेसिस पे डिफाइन किए हुए वेजेस एंड सैलरीज को आप बेहतर तरीके से जस्टिफाइड भी कर सकते हैं जिससे कि इम्प्लॉयीज़ के मन में कोई ग्रीवियांज नहीं आएंगे उनको इनक्वालिटी जैसा फील नहीं होगा और उनको फेयरनेस के साथ आप बता सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बता सकते हैं कि इस कार्य की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप उसका वेतन दे रहे हैं इसके बाद आता है आपके मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है प्रबंधन का रवैया कैसा है किस प्रकार की वो सोच रखते हैं बहुत हद तक जो मैनेजमेंट के एथिक्स हैं उनके वैल्यू सिस्टम है वो बहुत हद तक एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं आपके सैलरीज और वेजेस पे अगर मैनेजमेंट इस प्रकार से सोचता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो हमारे संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये कर्मचारी ही हैं जिनकी वजह से संगठन को आगे सक्सेस मिलती है सक्सेस के साथ साथ ग्रोथ मिलती है तो अगर इस तरह का रवैया आप रखते हैं अपने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह से मानते हैं और शामिल करते हैं आप अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो ऐसी तरीके के मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी और वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर तरीके से करते हैं जब भी वो ग्रो करते हैं तो वो चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करें और उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं इसके बजाय अगर मैनेजमेंट का रवैया इस तरीके का है कि वो सोचते हैं कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट केवल उनके ही मेहनत से हो रही है और कर्मचारी ये केवल एक रिसोर्स है जिसको कि आपने रख रखा है जो उसका कार्य होगा उसको आप देंगे और उस कार्य के ही हिसाब से आप उसको पेमेंट करेंगे और कहीं आप ये मानते हैं कि अगर उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलने लग जाएगी या ज़्यादा सैलरी दे दी जाएगी तो उनके दिमाग ख़राब हो सकते हैं और अपने कार्य को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ना करें तो डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट का रवैया कैसा है उसकी एटीट्यूड कैसा है उसकी सोच कैसी है अपने कर्मचारी के प्रति उसके हिसाब से भी वेजेस और सैलरी डिटर्मिनेशन में बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं मनोविज्ञानिक और सामाजिक कारण होते हैं हम बहुत हद तक ये मानते हैं कि एक कर्मचारी अपने जो सैलरी पैकेज है उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलेट करता है क्योंकि आदमी ये सोचता है कि उसके जीवन में जो सफलताएं हैं या उसने जो भी सक्सेस गेन करी है उसको वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करता है अपने सैलरी से कि उसको कितना वेतन मिल रहा है कितना कंपनसेशन उसको पे किया जा रहा है और उसने जीवन में कितना कुछ अचीव किया है तो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति वेतन और मुआवजा पैकेज को जीवन में सफलता या असफलता का एकमात्र मापदंड मानता है उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर वो अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है एक अच्छा पैकेज अर्न कर रहा है तो वो जीवन में सफलता हासिल कर चुका है और अगर वो कुछ ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है तो उसे लगता है अभी वो असफल है उसे और बहुत लंबी आगे जाना है तो अगर इस तरह की साइकोलॉजी है तो उसमें आपको एक अच्छा वेजेस और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए क्योंकि अगर वो इस बात को सफलता की पूंजी मानते हैं तो अच्छा वेतन उनको मोटिवेट करेगा अच्छा कार्य करने के लिए इसके साथ ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा पेमेंट होना चाहिए और लोग ये भी कहते हैं कि सामाजिक तौर पर वेतनों में अंतर नहीं होना चाहिए उनके कास्ट को लेकर उनकी एज को लेकर उनके रिलीजन को लेकर उनके कल्चर को ले, कर, को ले, कर, को ले, को ले हर प्रकार के कर्मचारी को अगर वो सामान्य तौर से काम कर रहा है उसका कार्य समान प्रकार का है तो उसके वेजेस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए बेस्ड ऑन एनी फैक्टर इसके बाद ही जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लेगिस्लेटिव कंसिडरेशन विधाई विचार हमारे संगठन का जो एक एटीट्यूड है जो एबिलिटी है जो इंटरनल आस्पेक्ट हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही वेजेस एंड सैलरी डिटर्मिनेशन में लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है जिसमें हम विधायी विचार को मानते हैं जो हमारा लेगुस्लेशन है हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट है एज पर दी मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग वो आपको देना ही है उसके अलावा ऊपर से आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से और मोटिवेट और उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए और वेतन ज़्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं बट आपको कंपनसेशन पॉलिसी डिसाइड करते समय मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना ही होगा तो जो उसमें दर दी हुई है जिस रेट पर उन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस इतना पे करना ही होगा एज़ पर दी स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग उतना तो आपको उसमें शामिल करना ही होता है तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन पैकेज को डिटरमाइन किया जाता है या सैलरीज और वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितना मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के फॉर्म में पे करेंगे उसके लिए ये सारे ही फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चलिए आगे बात करते हैं मुआवजे के वितरण विभिन्न तरीके जो वेरियस मैथड्स हैं कंपनसेशन के किस प्रकार से हम एक कर्मचारी को कंपनसेशन पे करते हैं उसमें हमारे कुछ अलग अलग तरीके के मैथड्स uh, हम यूज़ करते हैं जैसे सबसे पहला उसमें वेतन है दो प्रकार से हम वेतन देते हैं एम्प्लॉयज़ को वेजेस के फॉर्म में और सैलरी के फॉर्म में जैसा मैंने कहा वेजेस जो होती हैं वो जनरली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए रखी जाती है जो कि हम डेली बेसिस पे पे करते हैं जबकि सैलरी की हम बात करते हैं तो वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ या हायर लेवल पोजीशन पे जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनके लिए सैलरी दी जाती है और ये जनरली अ मंथ पे की जाती है इसके अलावा हम उनको इंसेंटिवस देते हैं जिसको हम प्रोत्साहन राशि कहते हैं जिससे उनका मोटिवेशन और मुराल बढ़ सकता है सैलरी के साथ साथ उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है उन्हें अनुषंगी लाभ भी दिए जाते हैं जिनको हम फ्रिंज बेनिफिट्स के नाम से जानेंगे और आगे हम बात करेंगे गैर मुद्रिक लाभ को जिनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाता है तो एक कंपनसेशन पैकेज कंप्लीट होता है इन सारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को मिलाकर जिसमें कि उनको सैलरी भी दी जाती है जो मॉनेटरी फॉर्म्स में होती है उसके साथ इंसेंटिव्स भी जोड़े जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरह के प्रकार से मिल रही हैं जो भी कार्य आप किसी संगठन में कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेरियस मोड्स ऑफ कंपनसेशन तो वेजेस और सैलरी के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम शुरुआत करेंगे इंसेंटिव से प्रोत्साहन तो राशि क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे इसमें ब्रेक और स्मिथ ने कहा है एक इंसेंटिव स्कीम और प्लान एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल को या ग्रुप को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके एंड इंसेंटिव प्रोग्राम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिल्ड ऑन दी मोनिट्री रिवॉर्ड्स इंसेंटिव और मॉनिटरी बोनस बट मे ऑल्सो इनक्लूड अ वाइटी ऑफ नॉन मॉनिट्री रिवॉर्ड्स और प्राइस जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोत्साहन राशि है आपको प्रोत्साहन करती है आपको मोटिवेट करती है कि आप अपनी इंडिविजअुअल एज वेल एज़ जो ग्रुप परफॉर्मेंस है उसको आप बेहतर करें जब आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं तो संगठन आपको प्रोत्साहन राशि देती है ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेट हों जनरली जो ये प्रोत्साहन राशि जी जाती है वो मॉनेटरी टर्म्स में दी जाती है लेकिन कई बारी हम इसको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी दे सकते हैं दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ पर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये दोनों ही तरीके से हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं प्रोत्साहन करने के फ़ायदे क्या होते हैं जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देते हैं लाभ देते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सबसे पहला आपका आता है रिडक्शन इन सुपरविज़न आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट कर देते हैं इस राशि को देके कि वो अपने कार्य को स्वयं ही बेहतर तरीके से करने लगते हैं उन्हें मालूम है अपने कार्य को वो बेहतर करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो जो uh, संगठन है उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी तो उनको बार बार सुपरवाइज़ करने की उनको जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट उपकरणों का बेहतर उपयोग वो करते हैं आप जो भी रिसोर्सेज उन्हें दे रहे हैं उसका वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो संगठन की चीज़ों को बेहतर तरीके से रखते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं तो उनको इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा आपका जो स्क्रैप है आपका जो वेस्टेज है वो कम हो जाता है अनुपस्थिति और टर्नओवर में भी कमी आती है लोग आप छुट्टियां कम लेते हैं उनको मालूम है कि अगर वो छुट्टी लेंगे तो उनके जो टारगेट्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाने से उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल पाएंगे तो वो छुट्टियाँ कम लेते हैं आपके संगठन को छोड़ के कम जाते हैं क्योंकि उनको उनके कार्य के लिए प्रोत्साहन करा जा रहा है अलग से उनको इंसेंटिवस दिए जा रहे हैं मोर देन सैलरीज एंड वेजस तो इसकी वजह से वो आपके संगठन से भी लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और आपके आउटपुट में वृद्धि होती है ये बोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है संगठन की कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन या प्रोत्साहन राशि इसीलिए देना चाहता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को इंक्रीज़ करें एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें ताकि संगठन को इससे लाभ हो सके चलिए आगे बात करते हैं काइंड ऑफ इंसेंटिव्स प्रोत्साहन के प्रकार क्या हैं किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन कर सकते हैं इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं और इसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन का भी तरीका होता है कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं और ज़्यादा इंसेंटिव देने के लिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव से इसमें हमारे दो प्रकार हैं आगे जिसको हमने समय आधारित प्रणाली में और उत्पादन आधारित प्रणाली में बाँटा है समय आधारण प्रणाली में हमारे चार तरीके के प्लान आते हैं जिसमें हमारा हेल्से प्लान है हॉवन प्लान है एमरसन प्लान है और रिडक्स प्लान है इन चार प्लान्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से कर्मचारी अपने कार्य को समय पर निर्धारित समय पर करते हैं या समय से निर्धारित समय से पहले करते हैं या निर्धारित समय के बाद तक करते रहते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इसके अलावा उत्पादन के आधारित अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके के प्लान हैं सबसे पहला है ट्रेलर्स ने जो दिया है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और दूसरा है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान तो ये बेसिकली जितने भी प्लान्स हैं वो उन सभी लोगों के नाम पर निर्धारित हैं जिन लोगों ने इन प्लान्स को डिफाइन किया है तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हेल्थ प्लान की हेल्थे प्लान इस योजना के तहत किसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले से ही एक मानक समय निर्धारित कर लिया जाता है कोई भी जो टास्क कर्मचारी को दिया जा रहा है उस कार्य को करने का एक निर्धारित समय क्या है उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है और अगर मानक समय से कार्य समय से कम समय पर अपना काम करने वाले कर्मचारी को बोनस दिया जाता है और बचाए गए समय के लिए परिश्रम प्रणाली के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो ये जो प्लान है इसके अकॉर्डिंगली आपने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया कि, कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगेगा और अगर कोई भी कर्मचारी उस कार्य को निर्धारित समय से पहले कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए उसको बोनस दिया जाता है उसको इंसेंटिव पे किया जाता है इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है टोटल अर्निंग ऑफ दी वर्कर इज इक्वल्स टू वेजेस ऑफ फॉर द एक्चुअल टाइम प्लस बोनस तो जो कार्य करने के लिए एक निर्धारित समय था और निर्धारित वेजेस आपने तय किए थे उससे पहले करने से उसको जो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है वो भी उसके लिए उसमें जोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से उस कर्मचारी को प्रोत्साहन मिलता है इसके बाद जो दूसरा प्लान है उसको हमने नाम दिया है होवन प्लान का इस पद्धति के तहत श्रमिक को काम पूरा करने में लगने वाले समय के लिए समान दर पर न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की गारंटी दी जाती है और बोनस लगाए गए समय की मजदूरी का वह अनुपात है जो बचाया गया समय अनुमत मानक समय से मेल खाता है बेसिकली इसमें क्या है आपका मिनिमम वेजेस गारंटीड दी जाती हैं जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने कार्य को कर लेते हैं लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम से पहले अपने कार्य को कर रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उस समय के लिए आपको वो बोनस पे किया जाएगा तो इसको कैलकुलेट करने का भी एक सिंपल सा और सीधा सा तरीका है जिसमें इंसेंटिव विल बी इक्वल्स टू वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम फॉर कंप्लीटिंग दी वर्क प्लस बोनस जो वेजेस आपको दिए जा रहे हैं जो आपने एक्चुअल टाइम लिया है कार्य को करने में इसमें पहले से समय कोई निर्धारित नहीं है लेकिन गारंटी आपको दी जाती है कि इस टास्क को पूरा करने में आपको इतना पैसा दिया जाएगा या इतना वेतन आपको दिया जाएगा और अगर इस समय से आप पहले कर लेते हैं तो आपको फिर से बोनस दिया जाएगा उसके बाद हमारा इमर्शन प्लान है इमर्शन प्लान में क्या किया जाता है वेजेस ऑन दी टाइम बेसिस आर गारंटेड इवन टू दोज वर्कर हुज़ आउटपुट इज बिलो दी स्टैंडर्ड यहाँ पर हम दोनों ही तरीके के एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं जो कार्य करने में बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं या कार्य करने में जो थोड़े से स्लो हैं तो उनको टाइम के बेसिस पे गारंटी की जाती है कि उनको इतना वेतन तो दिया ही जाएगा चाहे वो स्टैंडर्ड टाइम लें या स्टैंडर्ड टाइम से कम लें दी वर्कर हूज प्रूफ एफिशियट आर पेड बोनस तो इसमें आ, इसमें एम्प्लॉइज़ के बीच में कोई डिफरेंसेस भी नहीं होता क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मेरे अंदर ज़्यादा क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए तो मैं अगर स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट उसको कर रहा हूँ तो मुझे उतना समय के पैसे दिए जाएंगे या उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे जो तय कर दिए गए हैं लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ उस कार्य को करने में कम समय ले रहा हूँ एफ़िशियंट है कोई प्रति कोई कर्मचारी तो उसको फिर बोनस पीए पे किया जाता है सो फॉर दी परपज ऑफ डिटरमाइनिंग एफिशियंसी इधर आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम इज फिक्सड और स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी जॉब इज डिटरमाइंड एफिशियंसी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड किसी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड को पहले से ही आप निर्धारित कर लेते हैं और कार्य करने में कितना समय लगेगा तो एक जो स्लो वर्कर है जो धीरे अपने कार्य को कर रहा है उसको भी उसमें कोई नुकसान नहीं होगा उतना तो उसको मिलेगा ही लेकिन अगर कोई और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है तो उसको उसके लिए बोनस दे दिया जाता है तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप प्लान हैं इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े अंतर को करते हुए कि समय के हिसाब से कैसे हम उस कर्मचारी का मनोबल और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कराम के काम के प्रति उसको ये डिफाइन करते हैं इसके बाद आता है बेडेक्स प्लान प्लान में क्या करते हैं इसमें कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं फॉर ऑल वर्कर्स एंड वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड इज डिवाइडेड बिटवीन दी वर्कर एज वेल एज दी सुपरवाइजर इसमें क्या है कि केवल इम्प्लॉय नहीं क्योंकि हमने ग्रुप की भी बात करी थी तो जो आपका सुपरवाइजर है उसको भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फोर्थ एंड वर फोर तीन हिस्सा जो हिस्सा है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा और उसमें से एक चौथाई हिस्सा जो है वो सुपरवाइजर को दिया जाता है तो इसमें सुपरवाइजर जो है वो भी वर्कर की मदद करता है काम के समय को बचाने के लिए और क्योंकि उसको भी इस मेथड के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मिनट विच इज़ कॉल्ड एज बिडॉक्स पॉइंट या उसको हम बी पॉइंट भी कहते हैं एंड बी रिप्रेजेंट वन मिनट थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी अ वर्कर इज पेड टाइम वेजेज अप टू दी स्टैंडर्ड बी और हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस बोनस इज पेड वैन दी एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बी आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है जिसको कि हम विडक्स पॉइंट कहते हैं या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बी भी कहते हैं उसके बाद कर्मचारी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको तुलना की जाती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से अगर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है तो उसको जो निर्धारित वेतन है वो दिया जाता है लेकिन अगर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से भी आगे है और अच्छा कर रहा है वो तो उसको उसके लिए आगे फर्दर इंसेंटिव दिया जाता है इसमें सुपरवाइजर का भी रोल रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मेथड में एक चौथाई हिस्सा उनके नाम पर भी जाएगा अब आगे बात करते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की जिसको एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था ये क्या करते हैं इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें मजदूरों की दो दरें तय की जाती हैं एक कम और एक अधिक तो इसमें इन्होंने क्या किया कि दो रेट्स इन्होंने डिफाइन कर दिए कि अगर आप इतना स्टैंडर्ड मीट आउट करते हैं जो एक एक पर्टिकुलर आपको स्टैंडर्ड दिया गया है अगर आप केवल उसको अचीव करते हैं तो आपको कम रेट पर पेमेंट किया जाएगा और अगर आप स्टैंडर्ड से ज़्यादा अटेन कर लेते हैं तो आपको बढ़े हुए रेट्स पर पेमेंट दिया जाएगा तो मान लीजिए अगर आपको पचास यूनिट प्रतिदिन बनाने के लिए कहा गया है और आप पचास यूनिट ही बनाते हैं तो इसका पेमेंट अगर तय किया है चालीस रुपये के हिसाब से तो चालीस रुपये के हिसाब से आपको पचास यूनिट बनाने के लिए दे दिया जाएगा और जो भरी हुई दर है अगर उसको हमने पचास रुपये रखा है तो जो भी कर्मचारी पचास यूनिट से ज़्यादा बनाता है इक्यावन बावन त्रेपन कुछ भी जो नंबर बनाता है तो उसको बढ़े हुए रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा ज़्यादा दरों वाली रेट से पेमेंट किया जाएगा जिसको कि हमने पचास रुपये रखा है तो इससे एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन रहता है कि वो स्टैंडर्ड को तो पूरा करें और स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्म करें तो उनका जो बेनिफिट है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा इसके अलावा जो गैनटेक का टास्क और बोनस प्लान है इसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाती है ये कहते हैं कि आपको मिनिमम वेजेस जो है या मिनिमम जो पेमेंट है वो तो आपका फिक्स है वो तो आपको दिया ही जाएगा तो मानक समय से कार्य काम पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाता है और यदि कार्य कम समय में पूरा हो जाता है तो मजदूरी दर में वृद्धि कर दी जाती है और ये बढ़ोतरी मानक दर में 20 25 से 50 प्रतिशत के बीच भी हो सकती है तो इसमें ये अलग तरीके से एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट्सल्फ कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेज तो तय कर दिया जाता है कि आपको इतना तो दिया ही जाएगा लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी 25 से 50 प्रतिशत तक आपकी वृद्धि कर दी जाएगी तो इससे भी इम्प्लॉयी को बहुत हद तक एक मोटिवेशन मिलता है क्योंकि ये जो इंक्रीज इन परसेंटेज है वो एक अच्छा परसेंटेज है तो उनको अच्छा इंसेंटिव मिलने के चांसेस होते हैं तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिसके जिसके द्वारा हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ टाइम के बेसिस पे और पीस के बेसिस पे कि कितना प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसके हिसाब से भी उनको इंसेंटिव मिल सकता है और कितने समय में जो आप एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं वो दोनों ही इसमें कवर हो जाती हैं इन इन सारे मेथड्स के थ्रू आप इम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाते हैं इसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग भी एक तरीका है प्रॉफिट शेयरिंग एक आ, परिश्रमी एक, एक विधि है जिसके तहत एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को समय के निश्चित अंतराल पर नियमित वेतन के अलावा किसी उद्यम के शुद्ध लाभ से प्रतिशत के रूप में हिस्सा देता है आजकल जो कंपनीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस मेथड्स को बहुत हद तक इस्तेमाल करती हैं जिसको कि हम प्रॉफिट शेयरिंग का नाम देते हैं तो अगर आप कोई कर्मचारी अपने संगठन में अच्छा कार्य कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में सक्सेस लाने दिलाने में तो आप इम्प्लॉइज़ को इस तरीके से भी मोटिवेट करते हैं इंसेंटिव देने में कि उनको सैलरी तो जो मिल रही है वो मिल ही रही है लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में उनका योगदान आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में अगर वृद्धि हो रही है तो वो उनको प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज शेयर करने के लिए देते हैं जिससे एम्प्लॉय और ये चाहता है कि संगठन बढ़े संगठन को ज़्यादा मुनाफा हो वो ज़्यादा लाभ कमा सके तो अगर संगठन को ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो उसको भी उतना ही परसेंटेज रिटर्न मिलेगा तो एक सीधा सीधा तरीका है जहाँ पे संगठन ये एक 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 तरीके से बना देते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल की तो ग्रोथ हो ही रही है और वो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहा है तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं इसके साथ ही हमने कहा था जो इंसेंटिव्स हैं वो फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से दे सकते हैं तो जो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिवस हैं उसमें आप सैलरी तो देते ही हैं आप उनको प्रीमियम दे सकते हैं रिवॉर्ड दे सकते हैं डिविडेंड दे सकते हैं और उनकी इनकम पर आप उनको इन्वेस्टमेंट भी दे सकते हैं तो यहाँ पर जब हम मॉनिटरी फॉर्म्स में फाइनेंशियली जब उनको पेमेंट करते हैं आ, पैसे के रूप में तो उस उस तरीके के प्रोत्साहन राशि को हम वितई प्रोत्साहन कहते हैं इसके अलावा जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं गैर गैरवितय प्रोत्साहन हैं उसमें आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं बाय डेलीगेटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिड्यूसिंग देयर लैक ऑफ फियर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के उनको मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके उनके प्रमोशंस और टाइटल्स को चेंज करके आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं उनके एटीट्यूड को और बेहतर बना सकते हैं गुड लीडरशिप एंड चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उनको देते हैं ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को आप बढ़ाते हैं उनकी जो मैरिट्स हैं जो अचीवमेंट्स हैं उनको आप रिकोगनाइज़ करते हैं उनको एक बेहतर कार करने के लिए कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशनस प्रोवाइड करते हैं जॉब सिक्योरिटी आप उनको देते हैं और उनको कहीं ना कहीं फ्लैक्सीबल टाइमिंग्स भी आप देते हैं वो अपने हिसाब से संगठन में आ सकते हैं और सुविधा के अनुसार वो जा भी सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी इम्प्लॉई को बहुत हद तक मोटिवेट करती हैं ये सारे इंसेंटिव्स भले ही मॉनिटरी नहीं है लेकिन जब उनके कार्य करने में उनको आसानी होती है और जब उनके कार्य को अच्छी तरीके से रिकगनाइज़ किया जाता है उनको वैल्यू दी जाती है उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है तो ये सारी ही चीज़ें बहुत हद तक एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं अपने कार्य को अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने में इसके अलावा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव्स भी होते हैं आप सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से भी एक कर्मचारी को इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं आपका जो पॉजिटिव वे होता है उसमें आप एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं उनको आप चाहते हैं कि वो हर चीज़ में आगे आए हर कार्य को वो पहले तरीके से करें कॉम्पिटिशन विद दी फैलो वर्कर्स एंड ओन रिकॉर्ड्स आप उनका बेहतर बनाते हैं लेकिन यही इसी प्रकार से कई बार ही आप नकारात्मक प्रोत्साहन भी देते हैं और नेगेटिव इंसेंटिव इंक्लूड्स फियर ऑफ़ ले ऑफ डिस्चार्ज रिड्यूस ऑफ सैलरी डिसअप्रूवल बाई दी एम्प्लॉयर तो ये क्या है कि अगर वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से भी तो भी आप उनको ये जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं कि उनको निकाला नहीं जा रहा उनकी उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा रहा उनको डिमोट नहीं किया जा रहा उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा तो ये सारी चीज़ें भी उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं कि उनकी जो जॉब है वो सेफ़ है सिक्योर है उनका प्रमोशन जो है वो आ, उनका जो डिमोशन है वो नहीं होगा उनको निकाला नहीं जाएगा तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब उन्हें मिलती है और काइंड ऑफ परमानेंसी uh, उनको ऑर्गेनाइजेशन में फ़ील होती है कि उनकी जो नौकरी है वो सेफ़ है तो भी वो इस बात से बहुत हद तक मोटिवेट होते हैं तो ये कुछ तरीके हैं संगठन जो इस्तेमाल करती हैं अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं और ये सारे ही इंसेंटिव्स अपनी अपनी जगह पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन के साथ तभी जुड़ता है तभी वो बना रहता है जब उसे कंपनसेशन पैकेज एक अच्छा मिलता है बढ़िया सैलरी मिलती है बढ़िया इंसेंटिव मिलते हैं उसको तो वो अपने कार्य को करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होता है इसके आगे हम बात करते हैं अनुषंगी लाभ के बारे में अनुषंगी लाभ क्या है जिनको कि हम फ्रिंज बेनिफिट्स का नाम देते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में डी बैचलर कहते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स आर एनी वेज कॉस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव एफर्ट्स परफॉर्मेंस सर्विसेज और सेक्रीफाइजेस फ्रिंज बेनिफिट को लाभ कोई वेतन की लागत है जो सीधे कर्मचारी के उत्पादक प्रयास प्रदर्शन सेवा या बलिदान से जुड़ी नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे सैलरी और वेजेस की और हमने बात करी इंसेंटिवस की तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिए सैलरी और वेजेस जो आपको दी जाती हैं वो ज़्यादातर आपके काम के अनुसार दी जाती हैं आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं संगठन में आपकी परफॉर्मेंस क्या है जो भी आप कार्य करते हैं उसके रिटर्न में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपके सैलरीज और वेजेस का डिटर्मिनेशन करते हैं और जैसा कि हमने इंसेंटिवस की बात करी इंसेंटिवस भी आपको आपके एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिखाने के बेसिस पर मिलते हैं कि आप अपने कार्य को कैसे और दूसरों से बेहतर कर रहे हैं और अपनी जो टारगेट्स हैं अपने जो स्टैंडर्ड्स आपको दी गए हैं उनसे आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंसेंटिव दी जाते हैं जो हमने अलग अलग तरीके के प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है चाहे वो आप इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो चाहे आप ग्रुप के लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो चाहे आप समय के रूप में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो जो आपको समय दिया है कार्य करने के लिए उससे कम समय में आप कार्य को पूरा कर लेते हैं या जो आपको टारगेट्स दिए हैं स्टैंडर्ड पूरे करने के लिए उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं तो इन चीज़ों में आपकी परफॉर्मेंस का बहुत हद तक एक बहुत बड़ा योगदान रहता है लेकिन जब हम फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करते हैं अनुषंगी लाभ की बात करते हैं तो ये आपके कार्य करने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है ये वो सारी सेवाएं हैं ये वो सारी सर्विसेज हैं जो आपको संगठन देती हैं आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज़ को आकर्षित करने के लिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल आपका कंपनसेशन पैकेज डिफाइन करती हैं बहुत सारे संगठन ऐसे भी होते हैं जैसे हमने बात करी थी एक फैक्टर की मैनेजमेंट एटीट्यूड कैसा है तो मैनेजमेंट एटीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोत्साहन दे या आपको अच्छी सैलरी देकर ही मोटिवेट करे लेकिन अगर कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे फ्रिंज बेनिफिट्स आपको देती है तो वो कहीं ना कहीं आपके सैलरी को बचाने में बहुत हद तक मदद करते हैं इसीलिए ये फ्रेंच बेनिफिट्स आज के आज के समय पे बहुत सारे संगठन जो हैं वो इन पर बहुत हद तक कार्य कर रहे हैं बहुत हद तक ध्यान दे रहे हैं कि कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाएं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें मिल सके और अपने कर्मचारियों को वो अपने संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन है कॉकमैन के द्वारा कॉकमैन कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स विच आर सप्लाइड बाई दी एम्प्लॉयर टू और फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय विच आर नॉट इन दम ऑफ वेजेस सैलरीज एंड टाइम रिलेटेड पेमेंट ये वो सर सेवाएँ हैं जो हम एक कर्मचारी को अपने संगठन में देते हैं जो उनको सैलरी या वेजेस या उनके टाइम रिलेटेड पेमेंट जो हैं बोनस और इंसेंटिव से अलग हट के जो उनको सेवाएँ हम दे रहे हैं उनको हम यहाँ नाम दे रहे हैं फ्रेंच बेनिफिट्स का तो आइए बात करते हैं प्रकार क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स के क्या क्या अनुषंगी लाभ संगठन जो है वो अपने कर्मचारियों को दे सकती है जिससे कि वो अपने संगठन में ज़्यादा लंबे समय तक बनाए बने रहें और, और जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो अट्रैक्ट कर सकें तो सबसे पहले इसमें है ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो ओल्ड एज है रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं ग्रेचुटी है पेंशन है इस तरीके से आप उनका एडजस्टमेंट uh, करते हैं ताकि वो अगर इस संगठन के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि वो अपने जीवन का व्यापन कैसे करेंगे एक वृद्धि में तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं उनके लिए जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या उनको जो ग्रैचुटी मिलनी है या उनको जो बोनस पे किया जाना है उनकी सेवाओं के लिए जो उन्होंने इस कार्य कार्य के लिए की थी अपने संगठन के लिए की थी तो वो सारे बेनिफिट्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं कर्म कर का मुआवजा वर्कमैन कंपनसेशन आप देते हैं अपने कर्मचारियों को कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घट गई या कर्मचारी किसी वजह से उस कार्य को नहीं कर पाया उसकी मृत्यु हो गई कार्य करते करते तो आपको उस वर्कमैन का कंपनसेशन पे करा जाता है ताकि उसकी जो फैमिली है या जो उसके ऊपर डिपेंड लोग हैं वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें और बहुत सारे संगठन इस पर कार्य कर रही हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो संगठन हैं वो आप बात कर सकते हैं जैसे आप टाटा की बात कर सकते हैं टाटा कंपनी जो है जब टाटा अटैक हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लेकिन जो रतन टाटा हैं उन्होंने इस बात का बहुत हद तक ध्यान रखा था कि जो उनके डिपेंडेंट्स हैं या जो उनकी फैमिलीज हैं कैसे उन्हें कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो क्योंकि उनकी जो अर्निंग मेंबर था वो नहीं रहा या बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं संगठनों में जिसकी वजह से इम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए तो उस तरीके की जो सुविधाएं हैं जो सर्विसेज हैं उनको हम वर्कमैन कंपनसेशन के साथ जोड़ते हैं इसके साथ ही आप नौकरी की सिक्योरिटी देते हैं नौकरी की सुरक्षा आप अपने इम्प्लॉयज़ को देते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में मैं मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है या मुझे अच्छे इंसेंटिवस मिल रहे हैं लेकिन कल क्या अगर मुझे किसी नौकरी से निकाल दिया गया या मुझे मेरी नौकरी ही नहीं रही तो किस प्रकार से वो वेतन और इंसेंटिव्स को अर्न करेगा तो ये जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय के लिए भले ही वो थोड़ा वेतन कम अर्न करता हो या फिर वो उस प्रकार से इंसेंटिव्स नहीं ले पाता हो लेकिन उसको मालूम है कि उसकी जो नौकरी है वो सुरक्षित है और वो लंबे समय तक संगठन के साथ बना हुआ है उसको बीच में से कोई निकाल नहीं सकता है तो ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन उसके कार्य करने में उसको मदद करता है इसको भी हम फ्रिंज बेनिफिट के अंदर काउंट करते हैं इसके अलावा सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ हम उनको देते हैं हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स में कि जो भी कर्मचारी संगठन में काम कर रहे हैं उनके साथ सेफ्टी बनी रहे उनको कहीं कोई नुकसान ना हो ऐसे बहुत सारे हजारडियस जॉब होते हैं जहां पर आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपकी जान को ख़तरा हो सकता है तो वो संगठन किस प्रकार से अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखती है उसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है उसके साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स आप उनको देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस आप अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई हेल्थ इशू हो तो उसके लिए संगठन उनके साथ रहे या उसको इस तरीके की सुविधा प्रोवाइड करे कि उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो कंपनी की गाड़ी दी जाती है उनको कंपनी में आने जाने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती हैं कंपनी की गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट आप ऊंचे स्तर पे अगर काम कर रहे हैं आपका पद ऊंचा है तो आपको कंपनी की कार मिलती है और अगर आप एज अ स्टाफ काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है संगठन तक आने जाने के लिए ताकि आपको अपना खर्चा ना करना पड़े पेड हॉलीडेज़ दी जाती हैं आपको छुट्टी में घूमने के लिए आपको उन छुट्टियों के लिए भी तनख्वाह दी जा रही है आपकी छुट्टियों की तनख्वाह नहीं काटी जा रही है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आदमी को सैटिस्फेक्शन देती हैं उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं उनको अलग से कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन ये सुविधाएं हैं जो उनको उनके मनोबल को बढ़ाती हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन से वो अटैचमेंट फील करते हैं कि, कि किस तरीके से संगठन उनका ध्यान रख रही है और उन्हें भी संगठन को अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना है एजुकेशनल असिस्टेंस देती हैं बहुत सारे संस्थाएं लोगों को आगे पढ़ाती हैं अपने कर्मचारियों को बढ़ाती पढ़ाती हैं आगे उनको पढ़ाई का मौका देती हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मौका देती हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर हमारे संगठन के कर्मचारी अच्छा करेंगे उनके नॉलेज और स्किल्स बढ़ेंगी तो वो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हेल्पफुल होंगी बट इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत बड़ी बेनिफिट है कि उसकी पढ़ाई जो है वो संगठन करा रहा है कोई संस्थान करा रहा है उसको अपने आप से ऊपर से खर्चा नहीं करना पड़ रहा उनको रहने की सुविधा दी जाती है लॉजिंग फैसिलिटी दी जाती है और उसके साथ ही उनको खाने पीने की सुविधा भी दी जा रही है बहुत सारे संगठन जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को लंच प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिनर प्रोवाइड करते हैं कंपनी में तो उनको ये टेंशन नहीं है कि उनको खाना कहाँ खाना है लंच लेकर आना है उनको फ्री में खाने की सुविधा दी जा रही है तो ये सारी जो सुविधाएं इसी प्रकार से और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आज के तौर पर कंपनी दी देती हैं अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर से बेहतर टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेटर कंडीशनस एक वर्किंग एन्वायरमेंट उनको अच्छा दिया जाता है एक उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इक्वालिटी के साथ उनको डील किया जाता है तो ये सारी चीज़ें ही इम्प्लॉयज़ के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार संगठन ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेतन तो वो अच्छा दे रही हैं लेकिन आपको ये सारे बेनिफिट्स ना हो वर्किंग कंडीशंस आपकी अच्छी ना हो आपको सेफ्टी ना हो हेल्थ इश्यूज आ रहे हो जॉब करने में तो फिर आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्न करके भी आपको बेनिफिट नहीं होगा तो ये कर्मचारी हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनके कॉम्पन्शन पैकेज में इंक्लूडेड हैं और किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें वो देंगी चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो चाहे वो इंसेंटिव के फॉर्म में हो चाहे वो फ्रिंज बेनिफिट्स के फॉर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में हो तो इसी के साथ ही हम बात करते हैं हमारे सोर्सेज की हमारे स्रोत की इस व्याख्यान के लिए हमने किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो इस प्रकार से हैं इस स्लाइड पर हैं और इसके आगे आपको दूसरी स्लाइड में है अलग अलग किताबों से हमने इस व्याख्यान के लिए कंटेंट को लिया है और इसके साथ ही हम आज का व्याख्यान यहाँ पर खत्म करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू